ये दस्तावेज शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मामला कुशीनगर जनपद के तमकुही तहसील स्थित फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य की नियुक्ति का है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानाचार्य विश्वामित्र द्विवेदी की नियुक्ति को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नियमावली 1998 की धारा 7 के अनुसार किसी भी ऐसे व्यक्ति को शिक्षक या प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसकी दो पत्नी हो। एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा दिए गए दस्तावेजों में ये साफ साबित होता है कि विधिक रूप से अपात्र होने के बाद भी विश्वामित्र की नियुक्ति की गई। हालांकि एपीएल इन दस्तावेजों की प्रमाणिकता का दावा नहीं करता, लेकिन अगर दस्तावेजों के मुताबिक आज भी विश्वामित्र द्विवेदी की दो पत्नियां जीवित हैं, परिवार रजिस्टर मतदाता सूची की बात करें तो एक ही मकान संख्या पर मालती द्विवेदी पत्नी विश्वामित्र, अनुराधा द्विवेदी पत्नी विश्वामित्र का जिक्र है। वहीं उनके बेटे और बेटी दोनों की शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों में एक ही पिता के दो बच्चों की अलग अलग मां का नाम अंकित है। प्रधानाचार्य की कुर्सी पे जो व्यक्ति बैठे हैं श्री विश्वामित्र जी, वह उस पद के अहर नहीं है, इसलिए कि उनकी दो जीवित पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम अनुराधा देवी है और उनसे एक पुत्र है प्रशांत द्विवेदी। दूसरी पत्नी मालती द्विवेदी, उनके पुत्री का नाम तृप्ति द्विवेदी है। ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। यह जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 की धारा 7 के अंतर्गत एक से अधिक जीवित पत्नियों वाले अभ्यर्थी न शिक्षक और न प्रधानाचार्य पद के लिए अहर नहीं है। ये अनहर होते हुए भी विद्यालय के प्रशासक या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनको इस पद पे बिठा दिया गया है। यहाँ जो प्राचार्य बनाया गया है उनकी दो शादियाँ हैं जो नियमानुसार गलत हैं, जिसके लिए उच्च अधिकारियों तक, प्रमुख सचिव तक मेरे द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसकी जांच चल रही है। जांच के दौरान गलत तरीके से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा श्री विश्वामित्र जी जो यहाँ टीचर हैं गणित के, उनको बनाया गया है जो गलत है, और इससे विद्यालय परिवार पर, बच्चों पर इसका गलत असर आएगा। सरकार की मंशा के सीधे विपरीत कार्रवाई जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की गई है। गणित के प्रवक्ता विश्वामित्र टैक्स की गणित से बचने के लिए अपनी पहली पत्नी मालती द्विवेदी के नाम से जीवित बीमा दिखा रही हैं। विभाग द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर अपनी दूसरी पत्नी अनुराधा के नाम का हलफनामा देकर अपनी एक ही पत्नी होने की बात की है। जब हमने विश्वामित्र पर लगने वाले आरोपों पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने विभागीय जांच चलने और उसके परिणाम के आ जाने पर कुछ बोलने की बात कहकर अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को निराधार बता दिया। कुछ लोग अनर्गल, हताशा, निराशा में मेरे प्रति दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समय देने दीजिए। हम समय आने पर सबका जवाब दे देंगे। जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी ने इस घपलेबाजी पर कहा कि गणित के प्रवक्ता विश्वामित्र पर जांच चल रही है। विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है जिसके आधार पर उन्हें प्रधानाचार्य बनाया गया। विभाग ने कहा कि एक से अधिक पत्नी होने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। संज्ञान में है और इसमें उन्होंने एफिडेविट की प्रति दिया है जिसमें उन्होंने एक ही पत्नी के होने का उल्लेख किया है। इस पर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जब ये संज्ञान में आया कि दो पत्नियां उनकी हैं तो इस पे, चूंकि इनकी जो नौकरी की बात है उस पर पाँच आ सकती है अगर ये गड़बड़ी किए होंगे तो, और ये इसकी पूरी जांच हो रही है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, जब मिलेगा तो साक्ष्य के साथ उच्च अधिकारी को संदर्भित करते हुए इस पे यथोचित कार्रवाई की जाएगी। आरोप से घिरे प्रधानाचार्य पर जांच की रिपोर्ट का इंतजार है और रिपोर्ट आने के बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन घपलेबाजी के आरोपों ने शिक्षा विभाग को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। दिवाकर राय, APN, कुशीनगर।